चुनाव इनकी देखरेख में हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जगत की नज़र थी कि हमारा एसोसिएशन इसमें क्या कर रहा है, खिलाड़ियों की नज़र इस पे थी, ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है, तो ये कौन सी जीत है, ये कौन सी जीत है, ये कौन सा काम है? ये उनको नज़र पहले रखनी थी। उन्हें मालूम है वो जो भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने गबन किया, जिन्होंने अत्याचार किया, उस व्यवस्था से उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। चुनाव में ज्यादा जिन्होंने क्लेम किया कि दबदबा था और दबदबा रहेगा, हर चीज में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया उसमें कुछ कमियां आई हैं। देखो हमारी शैली में, जहां तक जाट समाज की उन्होंने बात की और गांवों की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी इतनी कहावतें हैं हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव-गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहां कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहां उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहां उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। जैन जी, क्या इस मिमिक्री को आप उचित मानते हैं? नहीं, देखो मिमिक्री तो यो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहां तो सदन के कार्रवाई में होती है, तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को पूरे रेसलिंग फेडरेशन के इस तंत्र को दोबारा से रीलुक करना चाहिए। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिस तरीके से स्टेट्स की रेसलिंग बॉडीज बनी हैं, उसके अंदर अनियमितताएं हैं, जिसके कारण आप कितनी बार भी चुनाव करा लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग ही इस चुनाव को जीतेंगे। तो जो स्टेट की यूनिट्स हैं, मुझे लगता है कि उनको भी जो है भंग करके ईमानदारी से उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। महिलाओं ने जो कहा कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो महिला होनी चाहिए, उसके अंदर मुझे लगता है कि और कुछ नहीं तो रोटेशन बेसिस पे जो है इसके अंदर महिला के लिए जो है रिजर्वेशन कर देना चाहिए, ताकि सब स्टेट बॉडीज जो है उनके प्रेसिडेंट महिलाएं हों और जो नेशनल बॉडी है रेसलिंग की उसकी जो प्रेसिडेंट है वो महिला हो, ताकि जो बहुत गंभीर आरोप रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पे लगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और आज भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, इस तरीके के आरोप दोबारा ना लगे। इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ी जो ओलंपियन हैं, कॉमनवेल्थ विजेता हैं, जिनका इतना बड़ा करियर है, वो इस विषय में, मोलेस्टेशन के विषय में झूठे आरोप नहीं लगा सकते। और एक दो लोगों ने नहीं, दर्जनों लोगों ने आरोप लगाए। जिस तरीके से आरोप लगाने वाली लड़कियों के ऊपर दबाव डाला गया, उनकी गवाही बदली गई, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी जब जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाएंगे, तब तब देश के सामने साक्षी मलिक की रोती हुई तस्वीर उभरेगी। आज सुनने में ये खबर आई है कि भंग कर दिया गया है कुश्ती फेडरेशन को, लेकिन मेरा सवाल तो खेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से यह है कि अब तक क्यों बेटियों की इज्जत उछाली जा रही थी? कारण क्या था? किस दबाव में थे आप? क्यों बचा रहे थे अपने सांसद को, जिसके खिलाफ पुलिस से लेकर के न्यायालय तक की टिप्पणियां देश के सामने हैं, जो ये कहता है कि दबदबा तो कायम रहेगा। कौन सा दबदबा? बेटियों पर दबदबा कायम रहेगा? बेटियां रो रही थी और आप जो है अपने नेताओं को बचाने में लगे थे। जो कुछ घटा है इस देश में पिछले कुछ महीनों में, कुश्ती के लिए बहुत शर्मनाक है, बेटियों के लिए बहुत। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।